ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल को नाका स्थित गांधी आश्रम श्री श्री शिव काली कल्याण परिषद कमेटी सर्वेस्त्री नगर नाका अयोध्या के तत्वाधान में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस विशाल भंडारे के आयोजन में सहयोगी प्रतिष्ठान महर्षि दयानंद एजुकेशनल सोसाइटी रही। भंडारे की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह रोहित द्वारा प्रभु हनुमान स्वामी और बाल गोपाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित दीप प्रज्वलित कर भंडारे का आयोजन किया गया। उसके बाद समिति के पदाधिकारियों द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को माला पहनाकर सम्मानित करने का कार्य किया गया। उसके बाद विशाल भंडारे और राधा कृष्ण की झांकी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। यह कार्यक्रम कुलदीप राज म्यूजिकल ग्रुप एंड जागरण पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। भंडारे और राधा कृष्ण मित्र एवं झांकी कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों भक्त उमड़ पड़े। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में विशेष रूप से अरविंद ओझा अधिवक्ता, अंकित मिश्रा, शशि भूषण पांडे, रविन्द्र मौर्य, सुधीर यादव, आत्माराम ओझा, रविन्द्र ओझा, हरीश चंद श्रीवास्तव, समाजसेवी कुलदीप तिवारी, मैनेजर एवं नीतीश मिश्रा के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। कहना क्या है, बजरंग बली की कृपा है और लगातार आपने पिछले चार मंगलवार देखा कि अयोध्या के हर कोने में आप किसी रास्ते से निकलते होंगे आपको हर 100 मीटर के अंदर एक न एक भंडारा चलता हो दिखेगा। तो अब लोग आस्था के प्रति इतने जागरूक हुए हैं, लोग आस्था के प्रति बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है और उसी का प्रतीक है कि आपको जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। आज हम लोग यहाँ भी भंडारा कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे आप? प्रभु बजरंग बली सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हम सब ऐसे ही एक दूसरे का सहयोग करते सौहार्दपूर्ण रूप से अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप हम लोग प्रभु का वंदन आज इस हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही आप प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन करते रहें और हम लोग भी उसमें सबसे पहले हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये महर्षि दयानंद एजुकेशन ग्रुप एवं महर्षि दयानंद योग संस्थान की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे का 8वां वर्ष है। 8वां वर्ष निरंतर भंडारा चल रहा था, इन्हीं कारणवश 2 वर्ष कोविड के चक्कर में भंडारा नहीं हुआ। इस भंडारे का कोई समय निश्चित नहीं होता, जब तक आप लोगों के आशीर्वाद से भंडारा चलता तब तक चलता रहता है। इस टीम में जो हमारे डायरेक्टर हैं गुरुदेव एडवोकेट अरविंद ओझा जी, उनके छोटे भाई अंकित मिश्रा जी, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर शशि भूषण, श्री हमारे जो संरक्षक हैं वो श्री आत्माराम ओझा जी, श्री अरविंद ओझा जी, तमाम पूरी की पूरी टीम जो महर्षि दयानंद योग संस्थान चला रही है, सब लोगों के सौजन्य से और आप लोगों के मीडिया बंधुओं के सहयोग से ये भंडारा सफल हो, यही हनुमान जी से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव मिश्रा। ठीक है। श्री श्री महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति गणेश नगर अयोध्या के तत्वाधान में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष करमवीर राय ने बताया, विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण भंडारे का आयोजन न होने के कारण इस बार भंडारे का दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। महाशक्ति दुर्गा पूजा सेवा समिति के मंत्री आनंद अग्रहरी ने कहा कि सुबह से प्रारंभ होकर भंडारा देर शाम तक चलता रहा, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और भंडारे के आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष करमवीर राय, मंत्री आनंद अग्रहरी, अनुभव जायसवाल पार्षद और समस्त मोहल्लेवासी मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के 5वें मंगलवार पर श्री श्री महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति गणेश नगर मकबरा के सौजन्य से ये भंडारा आयोजन हुआ। कब तक चलेगा ये तो भगवान की वास्तु से क्या अपील करना चाहते हैं आप?
ज़्यादा से ज़्यादा से लोग आएँ और प्रसाद को ग्रहण करें और पुण्य के भागीदार बने। जिस तरह से दो साल कोरोना में आपको तो पता ही है कि ना कोई पूजा हो पाई, ना कोई आदमी घर से बाहर निकल पाया, ना एक दूसरे से मिल पाया। ये ईश्वर की कृपा है, जो दैवी आपदा आनी थी आई, आज खत्म हो गई। अब उसके बाद हर्षोल्लास के साथ जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये मंगलवार का भंडारा चल रहा है। और भंडारे का आयोजन का मकसद ही खाली यही है कि उस दिन भगवान के नाम पर कोई भी आदमी भूखा नहीं। क्या नाम है आपका? अनुभव जायसवाल। दी गैलेक्सी इंस्टीट्यूट परिवार द्वारा नाका बाईपास प्रयागराज रोड ब्रह्म बाबा स्थान पर हीरा लाल यादव डायरेक्टर गैलेक्सी परिवार के तत्वाधान में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ब्रह्म बाबा स्थान का अपना एक अलग ही एक महत्व है। हीरा लाल यादव डायरेक्टर द्वारा बताया गया, यह स्थान पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हुए हजारों भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने बढ़ चढ़कर विशाल भंडारे में सहयोग किया और जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से ब्रह्म बाबा स्थान गूंज उठा। श्री यादव ने जानकारी दी, विगत कई वर्षों से हम लोग विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें विशेष सहयोग विवेक यादव, उमा शंकर यादव, बालक राम यादव अधिवक्ता, राम दयाल यादव, अजय यादव, ओम यादव, काशी राम यादव सहित आए हुए अतिथियों का विशेष सहयोग रहा। आइए देखते हैं विशाल भंडारे पर साकेत न्यूज से हीरा लाल यादव ने क्या कहा। हुसैनपुर में लगता है, बड़े हर्ष के साथ अच्छा लगा, सभी भक्तगण आए, प्रसाद ग्रहण किए। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये पहली बार शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये ता गैलेक्सी इंस्टीट्यूट नाका चोरी जगत हॉस्पिटल से सामने। संस्था क्या कराती है? संस्था कंपटीशन की तैयारी कराती है। हमारे यहाँ सी टेट हुए, यूपी टेट हुए, सुपर टेट हुए, यूपीपी, यूपीएसआई, ये सबकी तैयारी कराती है। किन किन लोगों ने सहयोग किया इस वितरण में? इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी गैलेक्सी भंडार ने सहयोग किया है। भक्तों से अपील करना चाहते हैं, ऐसे श्रद्धा बनी रहे और जो श्रद्धा अपने अयोध्या में अवधपुरी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल यादव। पद? शहर के नाका मकबरा स्थित प्रणव साइबर कैफे के तत्वाधान में अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अभय प्रताप सिंह, अमृत राज सिंह, आशीष सिंह बीजेपी नेता का विशेष योगदान रहा। प्रणव साइबर कैफे की प्रोप्राइटर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ इस बार ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगल को भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु हनुमान स्वामी के साथ जयकारों के साथ पूरा क्षेत्र राममय हो गया। भंडारा जो है प्रणव साइबर कैफे द्वारा, अमित राज जी द्वारा और सभी युवा साथियों द्वारा मकबरे पे चल रहा है। ये विगत 5 वर्ष से लगातार ये भंडारा चल रहा है। ये हरी इच्छा के जब तक भगवान की इच्छा, कह भाई ये प्रारंभ हुआ है, ये 12 बजे से प्रारंभ हुआ है, जब तक प्रभु की इच्छा तब। किनका किनका सहयोग है? सभी युवा साथियों का सहयोग है। और भक्तों क्या मैसेज जाते हैं आप? भक्तों से क्या अपील करना चाहते हैं? भक्तों से अपील है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और बहुत ढेर सारे भंडारे चल रहे हैं, सब यातायात व्यवस्था बनाए रखें, प्रसाद ग्रहण करें। क्या नाम है? जनपद अयोध्या के नाका ब्रह्म बाबा के सामने ज्येष्ठ मास के पावन पर्व अंतिम मंगलवार को विशाल भंडारे की धूम रही। इसी कड़ी में आशीष त्रिपाठी, अरुण सिंह, प्रदीप सिंह,
संजय सिंह, महेंद्र पांडे, पुष्पक पाठक, विजय सिंह, कालेंद्र पांडे, सरिता त्रिपाठी, रागनी सिंह, ज्योत्सना सिंह, आरती सिंह, निर्मल चौबे के विशेष सहयोग से भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। सर्वप्रथम श्री हनुमान लला के चित्र पर माल्यार्पण के साथ भंडारे की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। श्री त्रिपाठी ने कहा, कोविड जैसी महामारी के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है कि विशाल भंडारे का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़े मंगल के उपलक्ष्य है और यह जब भगवान श्री राम जी से हनुमान जी मिले थे उस उपलक्ष्य मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम सभी मित्र पुराने और जो भी साथ के सहयोगी हैं मिलकर एक भंडारा हर साल करते हैं, वही आज यहाँ पर परम बाबा के पास हम लोग करें। भक्तों से क्या अपील करेंगे आप? भक्तों से क्या अपील करेंगे? भक्तों से अपील करेंगे कि हाँ, निस्वार्थ सब काम करते रहिए, बस चढ़कर सब हिस्सा लें। कब तक चलेगा ये भंडारा? ये अब चार से स्टार्ट है, जब तक चलेगा हम होता है साथ और अरुण सिंह और बाकी सब साथ हमारे मित्र हैं, सब लोग साथ में सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स। अवध विश्वविद्यालय के सामने लक्ष्मीकांत दुबे के नेतृत्व में ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु हनुमान स्वामी के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर भंडारे का आयोजन का प्रारंभ किया गया। यह भंडारा दोपहर 2 बजे चलकर देर रात्रि तक चलता रहा। भंडारे के आयोजन में विशेष रूप से लक्ष्मीकांत दुबे, पिंटू यादव, विश्वनाथ पांडे, चंद्रशेखर सिंह, सुरेश यादव, सौरभ तिवारी, राम केवल दुबे, अवधेश गौड़, अंकित सिंह, रिंकू यादव, लकी लल्ला, भोलू भाई का विशेष सहयोग रहा। भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आइए सुनते हैं क्या कहा इन लोगों ने। कब तक चलेगा ये भंडारा? करीब 10 बजे ये हमारा प्रथम। अच्छा, ये जो किस जगह स्थित है? ये किस जगह? अवध विश्वविद्यालय के सामने आनंद विहार सेवन का पॉइंट का है। किसके उसमें चल रहा नेतृत्व में चल रहा है? नेतृत्व कई लोगों का सही है, समझ लो जरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। लोग हर साल जो है यूनिवर्सिटी के सामने जो है डॉक्टर राम लोलिया और जो विद्यालय के सामने करवाते हैं, हर साल आयोजन होता है मंगलवार को भगवान श्री राम से, भगवान श्री राम की धरती पर ये जो भव्य आयोजन हर जगह थोड़ा थोड़ा मतलब करके जो जो अपनी श्रद्धा होती है लोग करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी जो हैं छोटू तिवारी हुए, सौरभ तिवारी हुए और पिंटू यादव हुए, बहुत विजय पांडे जी हुए, सब लोग मिलकर जो है अपना एक करके करके जो हम लोग के जो अंदर भगवान बजरंग बली के लिए जो श्रद्धा रहती है उसको हम लोग हर साल। क्या महसूस भक्तों ने क्या अपील करेंगे आप? भक्तों से अपील करेंगे कि भीड़ से ढेर मतलब भीड़ यहाँ इकट्ठा हो और हम लोग जो श्रद्धा पूर्वक वो है यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण। कब तक चलेगा ये? ये जब तक भगवान की इच्छा रहती तब तक चलता रहता है। क्या नाम आपका? भगवान का आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ पांडे है। आप आयोजक हैं? हाँ, हम यही कहने वाले हैं बगल बगल की आवाज है करके अपने लोग इकट्ठा होकर होकर अपना आयोजन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग आयोजन करता रहता है। थैंक यू।